मेरे मिली है आपकी सानिध्यता, हर्ष में डूबा हुआ मैं कर रहा वंदन तुम्हारा, सत्य सत बुद्धि प्रदाता देवता वंदन तुम्हारा, हमारा प्रणाम स्वीकार गुरुदेव राजा जनक, हमारा वंदन। और वंदन में जो भाव आपने व्यक्त किया, मैं उस पर जब चिंतन करता हूँ तो ऐसा लगता है जासु ज्ञान जिम सम तब नासा, जैसे आपके ज्ञान ने सूर्य के उस प्रकाश को भी धूमिल कर दिया, ऐसा है ज्ञान। आप योग निष्ठा में सर्वश्रेष्ठ योगी, मृत्यु लोक में कोई ऐसा योगी आज तक पैदा नहीं हुआ। हाँ, देव लोक में भगवान शिव और मृत्यु लोक में राजा जनक ऐसे महान योगी, अचानक हमें इस रंगभूमि में बुलाया। मैं तुम्हारे प्रणाम का आशीष दूंगा। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादात नव विधि सिद्धि, वाता हता शत्रु विनाशनं चै दकार शाप्तच तरीदनाशाय, आयुष्मान भव दीर्घजीवी भव कल्याण वस्तु आने का हेतु जानना चाहता। अचानक आपको आहूत करने का कारण समस्त नृपालों की उपस्थिति, परंतु ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी की अनुपस्थिति, वो सुंदर सदन में विश्राम पा रहे हैं। आपसे हमारा निवेदन है, क्या आप मेरी ओर से सुंदर सदन जाएं? अच्छा, जाकर के हमारा प्रणाम कहना, तत्पश्चात हमारी विदय अपने शब्दों में उनसे कहना, उन्हें प्रेरित करना, प्रेरणा देना कि वह अतिशीघ्र हमारी रंगशाला में आने की महती कृपा करें। उनसे कहना क्या कि आज मिथिला के नयन पथ देखते पथरा गए और क्षण सुधा रसपान करने के लिए अकुला गए। सभी उनके दर्शनों के लिए आकुल एवं व्याकुल, कह देना कि देख कर दशरथ ये धन्य हो नर नारियां दर्शनों से खिल उठे, ये फिर नयन फुलवारियां, ये फिर नयन फुलवारियां। अकेले न जाना, फिर समस्त मुनि मंडली सहित राम लक्ष्मण सहित मुनिवर दे हमें निज पुण्य दर्शन इस रंगशाला में।
अमित आनंद वर्षण। कह देना क्या कि यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। यज्ञ की वर वेदिका पर यह धनुष लाया जा चुका है, यह धनुष लाया जा चुका है और सिंह स्वयंवर ही तुमने मंडप सजाया जा चुका है। वो चुके आसीन निज निज ये मंच पर आगत लपतिगन प्रभु सुने मेरा निवेदन देवता सुनिए निवेदन। राजा जनक सत्य आपका निवेदन तो निवेदित करना बड़ा सरल है लेकिन किसी दूसरे की विनय दूसरे से कहना बड़ा कठिन है लेकिन मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपकी विनय ब्रह्मर्षि संत के समक्ष अभिनय युक्त विनय प्रस्तुत करूंगा। आप अन्य कारण कौशिक मुनि पर हाँ हम थोड़ा समय लेंगे का कोट शाल नमन कल्याण हो आओ मेरे हृदय से लग जाओ। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कहो सब प्रकार से कुशलता तो है ना सब प्रकार से कैसे आना हुआ आने का हेतु हाँ मैं अपनी ओर से नहीं राजा जनक की ओर से आया और उनकी विनय विनीत शब्दों में मैं अमित रस घोल कर आपको मिलाने जा रहा हूँ व्यक्त करें मैं जानना चाहता हूँ। कोई भूत हो गए
आज उसका अंतिम दिवस है, अवशेष है। हाँ, अंतिम दिन आज साथ में दो मलिया है, रघुवंश मन श्री राम और लक्ष्मण श्री लखनलाल, दो राज कुंवर ऋषिमंडल को लेकर मैथिल रंगवरी में पधारने का कष्ट क्यों नहीं।